हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको फ्रिल टॉप बनाना बताऊंगी। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ये मैंने 1 मीटर प्लेन फैब्रिक लिया है। फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड किया है। इसकी लेंथ में 23 इंच रखूँगी और शोल्डर में 7.5 इंच रखूँगी और आर्म होल की लेंथ भी मैं 7.5 इंच रखूँगी। और 7.5 इंच पर निशान लगाते हुए हम इसमें सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहाँ से हम चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। चेस्ट आपकी जो भी हो उसे डिवाइड बाय 4 करके उसमें 2 इंच ऐड कर देना है। मैंने 11 इंच पर निशान लगाया है और सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है। बैक आर्म होल के लिए हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे और फ्रंट आर्म होल के लिए हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे और दोनों निशानों पर हम इसमें राउंड शेप ड्रॉ कर देंगे। और ऊपर से एक निशान में 14 इंच पर लगाऊंगी कमर की चौड़ाई के लिए। यहाँ से हमें कमर की चौड़ाई का 4th पार्ट लेना है और उसमें भी हम 2 इंच ऐड कर देंगे। मैंने 10 इंच पर निशान लगाया है। और नीचे से हम हिप की चौड़ाई का 4th पार्ट लेंगे और उसमें भी हम 2 इंच ऐड कर देंगे। मैंने 11 इंच पर निशान लगाया है और दोनों निशानों को मिलाते हुए हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। गले की चौड़ाई में 3 इंच रखूँगी और आगे की गले की लंबाई भी मैं 3 इंच रखूँगी और पीछे की गले की लंबाई में 1.5 इंच रखूँगी। और दोनों निशानों पर हमें राउंड शेप ड्रॉ कर देना है फ्रंट और बैक नेक के लिए। और जो हमने 3 इंच पर निशान लगाया है उससे आगे हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे और वहाँ से हमें आर्म होल तक राउंड शेप ड्रॉ कर देना है आर्म होल के लिए। अभी हम इसे कट कर देंगे। पहले हम बैक नेक और बैक आर्म होल की कटिंग कर देंगे, उसके बाद हम फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर देंगे। ये मैंने दोनों पार्ट्स की कटिंग कर दी है। अभी हमें फ्रंट का पार्ट लेना है और एक साइड से हम इसमें की होल बनाएंगे। एक साइड से हमें इसमें राउंड शेप ड्रॉ करना है और इसे हम कट कर देंगे की होल का शेप देते हुए। और ये फ्रंट पार्ट कुछ इस तरह से नज़र आएगा। और ये मैंने इसी शेप की स्ट्रिप कट की हुई है, इसे हमें इसके ऊपर रखना है और सिलाई लगा देनी है। जिस तरह से हमारा शेप है वैसे ही हम इसमें सिलाई लगा देंगे। उसके बाद हम इसकी बॉर्डर को फोल्ड करते हुए स्ट्रिप को उल्टी साइड पर पलट देंगे। और बैक नेक पर मैं तिरछी पट्टी अटैच करूंगी और इसे डबल फोल्ड करते हुए अंदर की साइड मोड़ दूंगी। ये मैंने इसमें स्ट्रिप अटैच कर दी है फ्रंट और बैक पार्ट में। अभी बैक पार्ट के ऊपर फ्रंट का पार्ट हमें उल्टा रखना है और इसके शोल्डर जॉइंट कर देने हैं। ये देखिए, मैंने इसके शोल्डर जॉइंट कर दिए हैं। अभी हम इसके आर्म होल पर तिरछी पट्टी अटैच करेंगे और इसे डबल फोल्ड करते हुए अंदर की साइड मोड़ देंगे। इसी तरह से हमें दूसरे आर्म होल पर भी तिरछी पट्टी अटैच करनी है और इसे डबल फोल्ड करते हुए अंदर की साइड मोड़ देना है। ये मैंने इसमें तिरछी पट्टी अटैच कर दी है दोनों साइड से। और ये मैंने एक्स्ट्रा स्ट्रिप ली हुई है गैदर्स बनाने के लिए। इसकी चौड़ाई मैंने 3 इंच रखी है। सबसे पहले हमें इसकी बॉर्डर को डबल फोल्ड करते हुए पूरी पट्टी में सिलाई लगा देनी है। दोनों साइड की बॉर्डर को हम डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देंगे और इसके सेंटर में हम बड़ा टाका करके सिलाई लगाएंगे गैदर्स बनाने के लिए। और एक धागे को खींचते हुए हम इसकी गैदर्स बनाएंगे। पूरी पट्टी में हमें इसकी गैदर्स बना लेनी है और इसे हम नेक पर अटैच कर देंगे। जो हमने की होल बनाया है वहाँ से हमें इसे अटैच करना है। वहाँ से हम इसे स्टार्ट करेंगे और दूसरे एंड तक हम इसमें सिलाई लगा देंगे। ये सिलाई हमें सेंटर में लगानी है और ऐसे ही फ्रिल हम आर्म होल पर भी लगाएंगे। दोनों आर्म होल पर हमें ऐसे ही फ्रिल लगा देनी है। ये देखिए, मैंने इसमें फ्रिल लगा दी है आर्म होल पर भी और नेक पर भी। अभी जो हमने की होल बनाया है उसके ऊपर हम बेल्ट अटैच करेंगे। ये मैंने 2 बेल्ट रेडी की हुई है, इसे हमें की होल के दोनों साइड से रखते हुए सिलाई लगानी है। दोनों साइड से हम बेल्ट को रखेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। उसके बाद हम इसे उल्टा कर देंगे
और साइड से 2 इंच का गेप देते हुए हम इसकी फिटिंग कर देंगे दोनों साइड से, और नीचे की बॉर्डर को भी हम डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देंगे। और इसी के साथ ये हमारा स्लीवलेस फ्रिल टॉप बनकर रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।